नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी चिन्मयानंद मामले में रेप पीड़िता को सुबह 6:30 बजे जिला कारागार शाहजहांपुर से रिहा कर दिया गया है। पीड़िता 25 सितंबर से जेल में बंद थी। आपको बता दें कि 24 अगस्त को स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली LLM की छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से पीड़िता लापता हो गई थी। तब पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था, लेकिन इससे पहले ही स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर पर 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करा दिया था। बलिया में निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर हलचल इन दिनों तेज हो गई है। बता दें कि निर्भया के चचेरे दादा का कहना है कि अपराधियों को इतना समय नहीं मिलना चाहिए था, 2-3 महीने के भीतर सजा मिल जाती तो घटनाएं कम होती। वहीं हैदराबाद के घटना पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने एनकाउंटर करके बहुत अच्छा काम किया है, जिससे अपराधियों का मनोबल कम हो जाएगा। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर विश्वास जताते हुए कहा कि कोर्ट में फांसी की सजा बरकरार है, लेकिन कुछ इस तरह के नियम हैं जिसका पालन करना जरूरी है, लेकिन इस तरह का पालन कम से कम समय से होना चाहिए। वहीं निर्भया की चचेरी बहन ने कहा कि जिस दिन दोषियों को फांसी दी जाएगी, उस दिन हम लोग एक त्योहार के रूप में मनाएंगे। इस फैसले से हमको बहुत खुशी है। जब हमको पता चला कि बक्सर सेंट्रल जेल में उन लोगों के फांसी के लिए रस्सी बांधा जा रहा है, तो हमको सुनकर बहुत खुशी हुआ। हमारी तो खुशी जब होगी जब हम देखेंगे कि फांसी के फंदे पर लटक गया। ऐसे तो हमको कोर्ट पर काफी विश्वास है, कोर्ट ने फैसला तो बरकरार रखा। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बुधवार को मसूदपुर गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ अहम बातें कही। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने का काम किया है और केंद्र सरकार ने अनेक जनहितेशी बिल पास करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी के सहयोग से देश की संसद में एक के बाद एक नए ऐतिहासिक बिल पास कराने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है, जिससे भारत के इतिहास में यह वर्ष 2019 भारत के संसदीय इतिहास में न केवल एक मील का पत्थर अपितु एक निर्णायक मोड़ के तौर पर, एक महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पर यह वर्ष इतिहास में भविष्य में पढ़ा जाएगा। सहारनपुर के उलेमा ने नागरिकता संशोधन बिल पर कड़े लफ्जों में निंदा करते हुए इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि इस बिल के जरिए मुसलमानों को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल से बीजेपी सरकार देश में विभाजन की कोशिश कर रही है। उलेमा ने सेकुलर दलों से राज्यसभा में इस बिल को पारित नहीं होने देने की भी अपील की थी। देखिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी सरकार सत्ता के अंदर बैठी हुई है। वो जिन वादों को लेकर, जिन नारों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, उसने तमाम ही वादे और नारों को जो है पसे पुस्त डाल दिया है। उसका नारा था सबका साथ सबका विकास, और सबको साथ में लेकर चलने की बात करती थी। आज नागरिक संशोधन बिल लोकसभा के अंदर पेश किया गया, आप उसके अंदर देखें कि कितना उसके अंदर सबका साथ सबका विकास है। उसने एक जात और धर्म को जो है बिल्कुल अलग कर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसानों ने गन्ना मूल्य को लेकर SDM को ज्ञापन दिया और OCR बिल्डिंग के पास गन्ना जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, तो वहीं सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो 21 तारीख के बाद फिर से प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले किसानों को गिरफ्तार कर लिया है।
ललितपुर जनपद के 8 गांव के सहरिया जाति के लोगों ने बुंदेलखंड एकता परिषद के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। बताया जा रहा है कि सरकार की जनहितेशी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा भी मौजूद रहे, साथ ही उन्होंने मांगों को लेकर आश्वासन दिया और धरना प्रदर्शन खत्म करवाया। चार पांच गांव के राजघाट के पास के सहारिया समुदाय के लोगों ने बिजली पानी आवासीय पट्टे को लेकर ज्ञापन दिया है। उनके ज्ञापन को प्राप्त कर लिया गया। संबंधित अधिकारियों की जिलाधिकारी निर्देश में 16 तारीख को बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में उनकी समस्याओं पर विचार करके इनको निश्चित रूप से जो पात्र होंगे उनको लाभ मिल जाएगा। इस देश में, इस जनपद में, ललितपुर में सैकड़ों दर्जनों गांव के सहारी आदिवासी अपनी जल जंगल और जमीन और आवासीय कृषि भूमि में राशन की समस्या और बिजली पानी की समस्याओं को लेके आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अपनी समस्या का ज्ञापन माननीय महोदय SDM जिलाधिकारी साहब को देने आए हैं। देखिए, सहरिया जनजाति के जो लोग आज यहाँ आए हैं, जिन गाँव के, मैं निश्चित रूप से इन गाँव के व्यक्तिगत रूप से सर्वे कराने वाला हूँ और प्रधानों से मिलकर आज तक इनको सुविधाएं क्यों नहीं मिली हैं, जबकि प्रत्येक प्रधान को जागृत किया गया है कि वो सूची बना करके आवास, उनको शौचालय, उनको बिजली के कनेक्शन, उनको गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सूची तैयार करके प्रशासन को दे। क्यों अभी तक इनके आवेदन नहीं आए हैं, निश्चित रूप से इस बात पर मैं ध्यान दे। सदर कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर में लेखपाल संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। लेखपाल संघ के कार्यकर्ता 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, साथ ही उन्होंने मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही, जिसे जनपद के तीनों तहसीलों के लेखपालों ने पूरे दिन काम न करने का बहिष्कार किया। पानीपत में लोगों ने सम्मोहित करके ठगने वाले 3 ईरानी युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी स्विफ्ट कार से पानीपत आते और दुकानदारों को अपना ठगी का शिकार बनाकर फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस सारे मामले की गहनता से जांच कर रही है। सूचना मिली थी भी एक फॉरेनर ठगी कर रहे हैं, तो उस खेल बाजार में इनकी गाड़ी रोक रखी थी पुलिस ने, जाके लेके आए इनको। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको आगे पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। जैसे आगे ला दो गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। कुछ कहना कि जी इंडियन करेंसी दिखाओ हमें, इन्होंने दिखाई है हमारे पास ये करेंसी है, बाहर के डॉलर से पता क्या थे, तो हमें इंडियन करेंसी दिखाओ। मैं 500 का दिखाया, क्या कहते इससे बड़ी कौन सी है, मैं 2000 की है, कहते वो भी दिखाओ। फिर दिखाने लगा, कहता इसमें ई लिखाओ, इंडियन इंडियन ई लिखाओ, ई लिखाओ, वो ये देखने में कभी दिखाई इसमें नहीं है, नहीं दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऐसे सारे नोट निकलवा लिए। 20,000 रुपये पड़े थे मेरी जेब में, तो उसमें पता ही नहीं चला जी 3,000 रुपये निकाल लिए। इसलिए मैंने पड़ोसियों को बुला लिया जी, मेरे को डाउट हुआ तो मैंने पड़ोसियों को बुला लिया जी। फिर तो ये उनके हफ्ते ही भाग लिए जी, दौड़ लिए। अगर मैं उनको नहीं बुलाता तो ये सारे पैसे लेके भाग जाते मेरे। बेटा मेरा बैठता है, बेटा अगर खाना खाने गया था, कहता पापा आप बैठो मैं खाना खा के आ जाऊँ। रात को 10:15 की बात थी जी, इतने में ये एक बंदा गाड़ी के अंदर बैठा था जी, एक मेरी दुकान पे आया, इन्हें बोला जी डॉक्टर साहब 3 शैम्पू दे दो। मैंने शैम्पू दे दी, इन्होंने 100 का नोट निकाला। मैंने कहा खुले पैसे दो जी, मैं 7,000 रुपये कहाँ से लाऊँ खुले। इन्होंने 10 का नोट दिया, मैं 7,000 वापस दे दिए जी, 7,000 वापस दे दिए। इन्होंने कहा फिर 100 का नोट दिया मेरे को बोला ये इंडियन करेंसी है। मैंने कहा इंडियन करेंसी है, कहते अपनी करेंसी दिखाना तुम। मैंने 100 का नोट नया निकाल दिया, कहते इससे बड़ा नोट कौन सा है, और मैं इससे बड़ा 200 का है, कहते इससे बड़ा और कौन सा है, मैं इससे बड़ा नोट 500 का है, इससे बड़ा 2,000 का नोट है।
अचानक मैं किससे कमेटी के पैसे लाया था, कमेटी के पैसे गले में पड़े थे, इतने मैंने कहा चल दो मिनट अभी घर जाऊंगा पैसे लेते जाऊंगा कमेटी के उठा के। इन्होंने 100 का नोट जी मेरी आंखों के आगे किया, मेरे को नहीं पता लगा जी वो पैसे कहाँ गए। 10 मिनट पहले मैंने कहा था पापा पैसे इकट्ठे करके रख लो घर लेते जाना, 10 मिनट बाद मैंने देखा जी गले में पैसे ही नहीं है जी। पैसे 162,900 रुपये गले में गायब हो गए जी एकदम। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में बदतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए समाज सेवियों ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। साथ ही समस्याओं के हल न होने पर समाज सेवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से खत लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। वहीं शहर के आला चौक में पिछले 567 दिनों से अलग राज्य बुंदेलखंड बनाए जाने की मांग को लेकर अनशन किया जा रहा है। इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खत लिखा गया। देखिए हमने आज प्रधानमंत्री जी को इसलिए खत लिखा है कि यहाँ इलाज का बहुत ज़्यादा अभाव है, इलाज नहीं मिल सकता है तो वो मौत हमको दे दें। हम ये कहना चाहते हैं कि वो डॉक्टर नहीं दे सकते, वो अस्पताल को अपग्रेड नहीं कर सकते, वो मेडिकल कॉलेज जो आया था वो भी नहीं दे सकते, तो यहाँ के लोगों को मरने के लिए तिल तिल कर मरने के लिए ना छोड़ें, हम लोगों को मौत दे दें। वो हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं कि जीने का अधिकार नहीं दे सकते तो मरने का अधिकार दे। आज 531वां दिन है हम लोगों को यहाँ पे दर्शन करने पर दर्शन पर बैठे हुए, और मेडिकल कॉलेज और बुंदेलखंड राज्य के लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन है, और आज विशेषतः खून से खत हम लोगों का लिखने का उद्देश्य महोबा में मेडिकल कॉलेज लाने के लिए है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जो प्रदेश सरकार की बेरुखी है, जो यहाँ की जनता के लिए उनकी क्या कहते हैं एक प्रकार से कहेंगे कि जनता के प्रति अनदेखी है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों का आज ये खून से खत लिखने का प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने ये किया। और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ जिस हिसाब से बद से बदतर होती जा रही हैं, लोगों को इलाज के अभाव में यहीं मरना पड़ रहा है, या रास्ते में 150-150 किलोमीटर जाते हैं दूर इलाज के लिए, आधे रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, लोगों के पास पैसे भी नहीं होते हैं तो वो इलाज भी समुचित नहीं करवा पाते हैं। तो हम लोगों की मांग है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में शहदों से परेशान दो छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया, तो वहीं शहदों से परेशान आकर पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर उनके खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनके ही मोहल्ले के कुछ लोग उनकी स्कूल जाती बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन उसके बाद उन्हें जेल में भी बंद किया गया, लेकिन जेल से छूटते ही उन लोगों ने घर में आकर आग लगा दी और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले पर अभी भी चुप्पी साधे हुए है। कहां से आए आप? सर नानागंज बनियानीपुर से। हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, वो लड़के जो हैं दूसरे लड़के जो हैं धमकी देते हैं, हमारी दो बच्ची पढ़ती हैं स्कूल में, वो बहुत डरती हैं सर। हमने एक बार बंद भी करवाया, उन्होंने जो है हमको धमकी दी मारने की, और हमारे घर में आग भी सर लगा दी इन लोगों ने, आग लगा दी। और जो है सर हम बड़ा परेशान हैं, बच्ची डरती हमारी है, स्कूल जो है जाना बंद कर दिया है, बच्ची हमारी इतना डर रही है, अब हम कैसे क्या करेंगे सर, मजदूरी करेंगे कैसे क्या करेंगे, क्या करते हो? देहात में बनियानीपुर गांव में एक कल 1:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति, इनका नाम छोटे लाल है, उन्होंने आके शिकायत की कि उनकी दो बच्चे हैं जो बच्चियां 7th और 8th क्लास में जाती हैं, इनका शिकायत था कि पड़ोस के दो लड़के उन पर व्यंग कसते हैं, जिस पर कल ही तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दो जो आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यातायात को लेकर सरकार, विभाग और नियम सभी सख्त हैं, लेकिन फिर भी यमराज बन दौड़ रहे वाहनों पर सरेआम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके बाद अब नियमों की अवहेलना करने वालों पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान ट्रैफिक विभाग ने चेकिंग कर कई चालान काटे, जिनमें सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूली बस के चालक नियमों की अनदेखी करते हुए पाए गए। एक मोटरसाइकिल काटे हैं, दो सीट बेल्ट के काटे हैं अब तक,
पाँच चालान काटे, पाँच सात चालान। उसके बाद भी कस्बे में अवैध वाहन देखे जा रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको लेकर क्या? उसके बाद रात को तो देख पता नहीं, दिन में तो हम काट देते हैं 6 बजे तक, 6:30 बजे आ गए हैं और तकरीबन भी चेकिंग करते हैं, बगैर कागजात को इम्पाउंड कर देते हैं। शहर में कुछ स्कूली बसें भी ऐसी देखी जा रहे हैं जिन पर कोई स्कूली या संस्था का नाम नहीं है। शहर की बसों को तकरीबन को चेक करते हैं, ज़्यादा बच्चे भरे होते हैं इस कारण तीन दिन लाइट आउट के बाद शहर की बस को जरूरी चेक करते हैं, जो बस आती है उसी। उत्तर प्रदेश की पुलिस अब महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर अपना सख्त रुख अपना रही है, जिसके बाद पुलिस का एक्शन कानपुर में देखने को मिला, जहां महिला कांस्टेबल ने स्कूली छात्राओं के छींटाकशी करने पर एंटी रोमियो दल के युवक को पकड़कर बीच सड़क पर चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद लोगों ने महिला कांस्टेबल की तारीफ करी। साथ ही आरोपी पर IPC की धारा 294 लगाकर उस पर सख्त कार्रवाई की गई है। बिठूर थाने की ये घटना है कानपुर नगर जनपद में, जहां एंटी रोमियो दल अपनी नियमित गश्त पर था, वहां कुछ छात्राएं जो गुजर रही थी उन्होंने बताया कि एक शौदा वहाँ खड़ा हुआ जो उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसे लेकर जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने रजिस्ट किया और इसमें महिला कांस्टेबल चंचल चौरसिया ने उसको बलपूर्वक पकड़ा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई 294 IPC में। 3 दिन पहले करहल बाजार में छात्रा को गन पॉइंट पर अगवा करने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। मुख्य आरोपी शैलेंद्र सिंह उर्फ भूरा का शव गांव के ही पास झाड़ियों में पड़ा मिला। दरअसल ये पूरा मामला मेनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की छात्रा कक्षा 11 की छात्रा 3 दिन पहले सुबह साइकिल से स्कूल जा रही थी, तभी बाजार में एक गाँव के ही शैलेंद्र सिंह उर्फ भूरा और दो साथियों ने गन पॉइंट पर उसको खींचकर बाइक पर बिठाने की कोशिश की, जिसके बाद परेशान छात्रा ने दुकान में भागकर खुद को बचाया। वहीं पुलिस छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच बुधवार को आरोपी का शव गांव के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसकी कनपट्टी पर गोली लगने का जख्म मिला और आसपास में कोई भी हमला करने का असला नहीं मिला, जिसके बाद करहल पुलिस को शैलेंद्र के पिता मोहर सिंह ने बताया कि छात्रा के पिता ने साजिश के तहत हत्या कराई है। वहीं पुलिस फॉरेंसिक जांच करा रही है। जिसकी मौत हुई वो तुम्हारा कौन लगता था? भतीजा था। अच्छा, कहाँ बॉडी मिली उनकी? ये खेतम मिली है, 5 किलोमीटर हो तो गांव से। अच्छा, क्या झाड़ियों में पड़ी हुई थी? नहीं, बमूरा तो बमूरे के सारे ही आती है। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? पंकज। पंकज, क्या हुआ था, मतलब कैसे इसकी मौत हुई है? इसकी मौत गोली से हुई है। है? गोली से। किसने मार दिया? ब्रह्मेश ने। पूरा मामला कैसे क्या था? ये 9 तारीख को ये छेड़खानी का मतलब मुकदमा किया था इसके साथ। है, फिर? फिर ये तब से आया ही नहीं। अच्छा, किसने लिखवाया था मुकदमा? मुकदमा प्रवेश ने। क्या लिखवाया था? मेरी बेटी की छेड़छाड़ की। ये पूरा मामला थाना करहल जनपद मैनपुरी का है। यहाँ करीब 1:30 बजे आज सूचना मिली थी कि एक करीब 20 साल के युवक का मृत शरीर एक खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पे पुलिस पहुँची थी। उस युवक की पहचान शैलेंद्र उर्फ भूरा यादव के नाम से हुई और यह भी ज्ञात हुआ कि यह युवक एक छेड़खानी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त है और पुलिस को इसकी तलाश। पानीपत के मेन बाजार में आग लगने पर फायर ब्रिगेड कर्मी बगैर पानी लिए ही आग बुझाने पहुंच गए। दरअसल अदलखा फैंसी स्टोर में अचानक आग लग गई और आग लगे देख बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया तो लेट लतीफ पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी ही नहीं मिला, जिससे लोगों ने अपने घर से बाल्टी लाकर आग पर काबू पाया। भाई बाजार में दुकान में 3री मंजिल पर आग लग गई है। हम यहाँ पहुँचे, देखा बहुत आग ज़्यादा थी, भीड़ वाला एरिया था, गाड़ी आने में परेशानी हुई, पब्लिक हटती नहीं रास्ते से, फिर आके कंट्रोल करी है। होते हैं वो डाल नहीं सकते, ये क्या 15 मिनट में आग बुझती है, सिर्फ इनके पास पैसा दो काम हो। दो गाड़ी एक खराब बता रहे, खराब बता रहे किस लिए? फिर पानी टैक्स किस लिए लेती है गवर्नमेंट? रोड टैक्स लेती है, पर एक व्यापारी के अलावा टैक्स देता कौन है? नौकरी पेशा व्यापारी टैक्स भी देता रहे और सारा काम भी ना हो व्यापारी का, व्यापारी चोर है यानी कि
अगर ये डेढ़ घंटा पहले आ जाते ये काम होता, छोटी गाड़ी आई है, बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती थी? वो भी काम नहीं करेगी। बताओ मेरे को, क्या फोम के गोले नहीं होते आग बुझाने के लिए? होते नहीं इनके पास? इनके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई सामान नहीं है, ये सिर्फ लोग मुंह देखने के काबिल है। और वो फायर अफसर कितनी सी आग लगी हुई थी, गवर्नमेंट में फोन करा, छोटी सी फायर ब्रिगेड भेजी, इसमें ना पानी, ना तो इसमें पानी, ना इसमें प्रेशर, जब इसको इनको का सीढ़ी लगा दो। ये अलखा फैंसी स्टोर के नाम से इनका दुकान है मेन बाजार के अंदर। 10 बजे इस परिवार ने जब ये दुकान खोली है तो इन्होंने अपना लाइट ऑन किया और सामने प्रमोद बंसल जी की दुकान है, उन्होंने देखा कि ऊपर से धुआं निकल रहा है, उन्होंने आगे तुरंत इनको बनाया, उस समय दुकान खुली इनकी 10 मिनट हो गए थे और इन लोगों को भी लगा कि ऊपर से स्मेल जैसे आ रही है जलने की, तो ये लोग फटाफट ऊपर देखे। तो उस समय उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में अपनी पत्नी को विदा कराने गए एक युवक को ससुराल पक्ष के लोगों ने पेट्रोल जलाकर मार डाला, जिसे गांव के लोगों में कोहराम मच गया। तो वहीं गांव के लोगों ने युवक को शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर ससुराल पक्ष वाले उसे छोड़कर भाग गए, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मुरादाबाद एसएसपी अमित पाठक को उनके सरकारी नंबर पर आई फर्जी कॉल ने उन्हें परेशान कर दिया। उन्होंने बताया कि कॉल पर युवक ने बोला कि मैं मुख्तार अब्बास केंद्रीय मंत्री का पीए बोल रहा हूं, आपसे मंत्री जी का कुछ बात करना चाहते हैं, फिर मंत्री बनकर बात करने लगा। इस पर एसएसपी को आवाज पर शक हुआ तो यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, जिसमें मुख्तार अब्बास की आवाज और उक्त आदमी की आवाज को पहचान किया गया, लेकिन आवाज नहीं मैच कर रही थी। जब पुलिस द्वारा उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि युवक बहमम कॉलोनी का निवासी है। फिलहाल पुलिस युवक को गिरफ्तार कर जांच में जुटी हुई है। कल मेरे सीयूजी फोन पर एक व्यक्ति की कॉल आई, जिसने अपने आप को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का पीए पहले बताया और फिर उन्होंने कहा मंत्री जी बात करेंगे, तो उसमें मेरे द्वारा बात की गई। जब बात की गई तो जो उधर से व्यक्ति बोल रहे थे उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति आपसे मिलेंगे, इनकी मदद कर दीजिएगा और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। तो कुछ बातचीत के लहजे से और लगा कि ये इस चीज़ को चेक करना चाहिए, क्योंकि जो नंबर था वो पर्सनल मोबाइल नंबर था, अमूमन लैंडलाइन से फ़ोन आता है या कोई और दूसरा, और आवाज़ भी जितनी मुझे याददाश्त में थी वो मैच कम कर रही थी। एक बार पुनः उसको कंफर्म करने के लिए यूट्यूब पर एक वीडियो चला करके देखा गया और उसकी आवाज़ में और इस आवाज़ में तुलना की गई तो आवाज़ में भिन्नता थी। तब जो है मेरे द्वारा ये कहा गया कि इस नंबर का पता लगाया जाए, क्या किया जाए, तो ये पता चला कि ये कॉल दिल्ली से ना होकर के यही मैनाठेर से हुई थी और जिस व्यक्ति ने जैसे कॉल किया था उसको तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने कल से आज में आइडेंटिफाई कर लिया, मुकदमा लिख करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब खबर रतिया के गांव भूदड़वास से है, जहां पत्नी के चरित्र पर शक के चलते युवक ने पत्नी, बेटे और बेटी की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद डीएसपी धर्मवीर पुनिया ने जांच कर पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक मोटरसाइकिल पर चार, दो पति पत्नी दो बच्चे, मुलाक से लेट हो गए। जिस सूचना पे जो है एएसआई कपिल जो चौकी इंचार्ज हमारे ब्राह्मण वाला है वो पहुंचे थे और उसके बाद उनको जो है अग्रवा मेडिकल कॉलेज दाखिल करवा दिया गया। वहाँ जाने के बाद जो प्रीति वाइफ ऑफ काला सिंह जो बुंदरवास का है और इसकी जो इसका जो लड़का कमल जिसकी उम्र 2 साल है वो एक्सपायर हो गए थे और उसकी जो लड़की है जसमीत उसकी भी वहाँ मौत हो गई थी। तो अग्रवा मेडिकल जाने के बाद वहाँ कुलदीप सुनो जसवंत सिंह वासी पटियाला वाज मिला, जिसने अपना बयान दर्ज करवाया भी मेरी जो भांजी है प्रीति वो करीब 7 साल से बुंदरवास गांव में शादीशुदा थी और उसके 2 लड़का, एक लड़का और लड़की थे और वो जो उसका जो घरवाला था काला सिंह वो लेके पटियाला बुंदलाड़ा जा रहा था।
तो रोजों वाले गांव के पास एक्सीडेंट हो गया। जब उन्होंने अपनी भांजी प्रीति को और उसका लड़का जो कमल और उसकी लड़की जसमीत को देखा तो उससे शक हुआ भाई इसका जो है, क्योंकि सभी के सिर में चोटें थी और उसके बयान पर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं संभल में एंटी करप्शन टीम ने क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर सहदेव सिंह को रिश्वतखोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाने लगे और छोड़ देने की बात कही, जिसके बाद एफिडेविट का बहाना बनाकर एंटी करप्शन टीम इंस्पेक्टर को गाड़ी में ले गई और इस गिड़गिड़ाने का वीडियो वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित बासडीह तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सुल्तानपुर में सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर भी तंज कसे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीब और दलित जातियों के लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात आती है तब उसके उसको उत्तम न संविधान को ताक पर रख करके उसके साथ अन्याय होता है। आज जब रेप कांड हुआ है उन्नाव में, आपने देखा अभी, उसके क्यों उसके साथ नहीं हुआ, उन लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? एक रेप करते हैं पूर्व मंत्री चिन्मयानंद जी, वो हॉस्पिटल में रहते हैं, जिस लड़की का रेप होता है वो जेल में रहती है क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं। आप विधायक, जिस विधायक ने रेप किया सीबीआई ने चार्जशीट तक दाखिल कर दिया कि नहीं रेप इन्होंने किया है, और उनकी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी, सूबे का मुख्यमंत्री बयान देता है हम मुकदमा वापस कर लेंगे। ये कौन सा, ये कानून संविधान को कहाँ मानते हैं? अगर ये संविधान को मानते तो देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए, दो तरह की शिक्षा क्यों? फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव 24।